कॉन्फिडेंस लेवल की क्या बात है? कॉन्फिडेंस लेवल 0 से 0 हो गया। हाँ, ग्लास आई थी, यकीन नहीं था कि लग जाएगी, तो लग गई और ऑन भी हो गया, ओके भी हो गया। चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे? ये देवर्धन सर के तारीफ के लिए ना वर्ड नहीं है मेरे पास। चलिए हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सर मेरा नाम नरसिंह है, मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से हूँ जी। तो आज मैंने देवर्धन सर की अग्रवाल ज्वाइन की और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि आज की क्लास थी ऑडियो सेक्शन से लेके जी। तो ऑडियो को पावर एम्पलीफायर, जो स्मार्ट पावर एम्पलीफायर होता है और जो नॉर्मल पावर एम्पलीफायर, तो आज चर्चा की हुई है नॉर्मल पावर एम्पलीफायर के ऊपर, जो कि आज इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो नॉर्मल पावर एम्पलीफायर है, ये हमारा 16 वोल्ट का है, और इसमें हम चर्चा करेंगे CDC वोल्टेज को लेके और EN वोल्टेज को लेके, कौन कहाँ से आता है, कौन कहाँ से जाता है। चलिए, ये हमारे DC to DC IC है, जहाँ से BPH आउट होगा सिर्फ 4 वोल्टेज का, जो कि डायोड हो जाएगा, ये हमारी रिंग आईसी ठीक है। इसके बाद ये ऑडियो से हमारे ऑडियो कमांड करेंगे और ये सब वोल्टेज के कमांड करेंगे और आगे दो बोर्ड पे जाता है, ये वाला वेट पे ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, एक बार क्लैपिंग कर दो इनके लिए यार। तो अभी क्या करने जा रहे हैं अभी आप? अब इसके बाद क्या करेंगे आप? अभी सर मैं इसको जाके फिर से IC निकाल के सारे GR चेक करूंगा और लगा के देखूंगा उसको। ठीक है बैठिए, करिए भाई। माइक्रोस्कोप पे बिठा के मैं सबके जंपर चेक करूंगा, आप इग्नोर मत करना इस चीज को, ध्यान रखना है ना, सबके जंपर लगे हुए होना चाहिए, सबसे डीप चेक करूंगा यहाँ माइक्रोस्कोप।
स्लीप सबसे पहले चेक करूंगा, एक चेक करूंगा आपसे आपकी जो ऑडियो लेफ्ट और राइट आ रही है वाली। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरसिंह है और मैं हमीरपुर के ऊपर हमीरपुर उत्तर प्रदेश से है। तो अभी आपका ऑडियो का जो क्लास हुआ है किसके साथ में हुआ है? ऑडियो क्लास हमारे देवर्धन सर के साथ हुआ। और ये पीछे जो डायग्राम बनाया आपने मैंने खुद ही पूरा एक्सप्लेन किया है सर, गोलों के साथ हर आईसी के पैड के साथ। अच्छा, ये सारी चीजें आपने गोले सर में तो नहीं बनाया? ना ना सर, बिना डायग्राम के मैंने बनाया है, डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अभी आप क्या करने वाले हैं? अभी मैं रिंगर आईसी के सारी डिटेल्स चेक करूंगा, सारी चीजें चेक करूंगा, निकाल के भी दिखाऊंगा और लगा के भी दिखाऊंगा। आपको पता है इसमें ऑडियो आईसी कौन सी लगी हुई है? हाँ जी सर। और पावर एम्पलीफायर आईसी कौन सी लगी हुई है? जी सर पता है हमें। पता है? जी सर। तो क्या नंबर है उसका एम्पलीफायर आईसी का? इसका नंबर है 318। 318। इसमें दो तरीके की आती है ना? यस सर। एक 14 वाल और एक 16 वाल। तो अभी इसमें कैसे पता चलेगा कि 16 वाल लगी है कि 14 वाल लगी है आईसी उठाने के बाद? ये तो निकालने के बाद ही पता चलेगा ना सर। तो ठीक है, निकालने वाले हैं आप? यस सर। निकालिए। वहां से HDMI इनेबल कर दीजिए आप। HDMI इनेबल वहां से तीर पे क्लिक करिए ऊपर। वेरी गुड। वहां पे तीन नंबर ऊपर से तीन नंबर। यहाँ पे अगर साउंड बजा कर दिखा दीजिए कि साउंड बज रहा है नहीं बज रहा है। चालू कर रहा हूँ। चालू मोबाइल है, ऑन मोबाइल है। चालू फोन है ये? हाँ सर। डर लग रहा है क्या? बंद हो जाएगा फोन? ना सर, किसी इसमें ये तो बंद होता ही नहीं, रिंगर आईसी में कोई रिंग डेड होने का भी रिस्क नहीं है। अच्छा, और बंद हो जाए तो चालू कर लेंगे? हाँ जी सर, चालू कर लेंगे, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं। बड़ी बात नहीं है। आईसी निकाल के लगाना एक पंचर बनाने की जैसा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये सच है? चार दिन में कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो गया कि मतलब पंचर बनाने जैसा लग रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चालू करके दिखाइए, रिंगर बज रहा है क्या? बज रहा
कॉन्फिडेंस लेवल की क्या बात है?
कॉन्फिडेंस लेवल जीरो से हीरो हो गया। जीरो से हीरो हो गए। हाँ, ग्लास आई सी थी, यकीन नहीं था कि लग जाएगी, तो लग गई और ऑन भी हो गया, ओके भी हो गया। चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे? ये देवर्धन सर के तारीफ के लिए ना वर्ड नहीं है मेरे पास। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे कोई ऐसा टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहता हो तो उसको क्या बोलेंगे? सर बिल्कुल बंद आँख करके यहीं पे आ जाए, क्योंकि वहाँ पे कुछ सीख नहीं पाएगा, यहाँ पे आप जिंदगी को ऐसी गुजार देगा। अगर यहाँ आएगा ना तो उसके 20 साल भी कम पड़ जाएंगे, यहाँ पे 20 साल कम पड़ जाएंगे। 20 साल में भी वो चीज नहीं सीख पाएगा जो यहाँ सीख के जाएगा। कब से हैं इस मोबाइल की फील्ड में आप? 2 साल से हूँ सर मैं। 2 साल और ये 5 दिन? ये 5 दिन बराबर ही है, बराबर भी नहीं है, भारी हो गया 5 दिन। भारी हो गया सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकालना हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?